नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। हमें हमेशा उत्सुकता होती है जानने की कि कैसा होगा हमारा भविष्य, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा आने वाला जो दिन है वो अच्छा बन सके और सतर्क हो जाएं आने वाली परेशानियों को लेकर। और हम कोशिश करते हैं आपके दिन को बेहतरीन बनाने की, देते हैं आपको कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो कैसा होगा आज का आपका दिन, कैसे होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री कृष्णा का, माता बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है, साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। यदि आप सच्ची लगन से आज के दिन कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। बिजनेस के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा रहेगा। दफ्तर में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी। जोखिम भरे निवेश आज नहीं करने हैं। किसी समस्या को आप आज के दिन गंभीरता से ले सकते हैं। अगर आप उन समस्याओं पर ध्यान दें तो आज आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। सुनी सुनाई बातों पर आज विश्वास नहीं करना। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके लाल मसूर के कुछ दाने अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में, अपने गले में, अपने तिजोरी में रखें। पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा। शाम तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। करियर के क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। जिम्मेदारी जो है आपकी वो बढ़ सकती है। आपके सोचे हुए काम आज पूरे होंगे, उलझे हुए काम आज सुलझ सकते हैं। किसी के आगे जरूरत के मुताबिक ही मांग आज आपको रखनी है, वही आपके लिए अच्छा, अन्यथा पश्चाताप हाथ में लगेगा। ध्यान रखें कि आज दूसरों के काम में दखल ना दें, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करें। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो दिन है थोड़ा सा नकारात्मकता से भरा दिन हो सकता है, लेकिन आज आपको सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। दिन भर कार्यों में थोड़ी सी रुकावट पैदा होगी। कुछ सामान्य व्यवहार से ही आप अपने निराशा और अकेलेपन को आज दूर कर सकते हैं। यदि आप नौकरी अथवा काम की तलाश में घूम रहे हैं तो दोपहर के बाद में आपको उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। आज बिजनेस में थोड़ी सी सावधानी रखें। किसी भी बात पर आज आपको आसानी से विश्वास नहीं करना है, उस मामले की बिल्कुल तह तक जाना है। दिन की सफलता के लिए साबुत धनिया पर सिंदूर लगाकर पूजा स्थल पर अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मुग्धा जी हैं दौसा से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1986 और दोपहर 3 बजे का उनका जन्म है। मुग्धा जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका पंडित जी से? हेलो जी, क्या सवाल है आपका पंडित जी से? हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। एक्चुअली क्या है, क्या नाम से, मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और मेरी शादी में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जी बेटा, ऐसा है कि आपकी जन्म से कन्या राशि है मुग्धा जी, जो बोलते नाम से सिंह राशि, और भाई बर्थ आपकी कन्या राशि। कन्या राशि पे इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है, तो 2 नवंबर 2014 अगले 3-4 महीने बाद में शनि की 7.5 से मुक्ति मिल रही है। शनि आपके दाम्पत्य घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके विवाह के क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय है और अगले साल फरवरी मार्च तक का जो समय है, वो आपके विवाह के लिहाज से सबसे अच्छा समय।
उस समय के अंदर आपकी बात तय हो सकती है। सन 2015 में आपकी शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति और मंगल वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबिलिटी जो हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि विवाह के पश्चात में आपकी सरकारी नौकरी लगती है। मंगल के घर में शनि, शनि के घर में मंगल जाके बैठे तो विवाह के पश्चात में सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आपका विवाह हो जाए। नियमित रूप से पास में तुलसी जी का पौधा आप घर के अंदर रखें, उसमें केसर मिश्रित आप जल चढ़ाएं, तुलसी जी की परिक्रमा करें, नियमित रूप से गाय को पालक खिलाएं। आने वाला समय बहुत अच्छा है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर आपको धारण करना है। उसके साथ साथ में 1.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आपको कोरल जिसको हम बोलते हैं अनामिका उंगली में सीधे हाथ में चांदी में धारण करना है। यदि आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, उसको आप सोमवार के दिन गले में धारण करिए, सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। तो मुग्धा जी, पंडित जी ने आपको बताई दिए कि आपको क्या करना है, बस वैसे ही टिप्स अपनाइए, जल्द से जल्द आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही शादी के बाद ही आपको सरकारी नौकरी लग पाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, सोनू जी हैं अजमेर से। सोनू जी स्वागत है आपका, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, सबसे पहले ये बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/1/1981। जी 28/1/1981, और समय बताइए। दिन में 12 बजे शुक्रवार को। जी सवाल क्या है आपका? मैं जी क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बेटा, ऐसा है कि अभी इस वक्त आपको राहु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। अप्रैल 2015 में इस समय ख़त्म होगा। राहु की महादशा और केतु का अंतर हो तो ये समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहा जाता है। ऐसे समय में हर चीज़ के अंदर रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है आपका अप्रैल 2015 के पश्चात का जो समय है वो आपके कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा समय। गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। आंशिक कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। यदि आप जिंदगी में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सब दोष की मुक्ति के लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पे कालसर्प दोष की पूजा करवाएं। उसके साथ साथ में एक येलो सफायर पुखराज रत्न आपका अंगूठे के पास वाली फिंगर के अंदर सोने के अंदर गुरुवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, सफलता आपके कदमों में होगी। तो सोनू जी टेंशन छोड़ दीजिए, पंडित जी ने जो बताया बस उनको अपनाइए, आपके जो आने वाला जो समय है वो काफी बेहतर होने वाला है। एक मेल आया था हमारे पास पंडित जी, जीनत जी का बीकानेर से, जो कि अपने बेटे मोहम्मद जहांगीर के बारे में पूछना चाहती हैं, और उनके डेट ऑफ बर्थ उन्हें बताई है 6/8/1982, सुबह 7 बजे का उनका जन्म है, उनके बेटे का 6/8/1982 और सुबह 7 बजे का जन्म है, जहांगीर नाम है। और ये पूछना चाहते हैं कि इनके बेटे की शादी अभी तक नहीं हुई है, कई रिश्ते आए हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो इनकी बेटी की जो शादी है वो कब तक होगी? देखिए जीनत जी, आपकी जो बच्चे की जन्म कुंडली जो आपने जन्म तारीख समय जो भेजा है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसका जो दाम्पत्य घर है वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो वो भी शनि के घर में। जब चंद्रमा शनि के घर में बैठ जाता है तो विष योग बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि इस बच्चे के वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो जाती, या तो शादी हो नहीं, और यदि हो तो उसके अंदर कोई ना कोई समस्या बनी रह सकती। तो अभी कम से कम आपको 3 महीने नवंबर तक का जो समय है वो आपको शांतिपूर्वक गुजारना है। उसके पश्चात का जो समय आ रहा है नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय आ रहा है यानी सन 2015 में, निश्चित तौर पर इसको पूर्ण विवाह का सुख मिलेगा। आपको सिर्फ एक काम ये करना है, एक लेपिस लेजोलिया स्टोन आता है, लेपिस लेजोलिया स्टोन, ये ब्लू कलर का स्टोन होता है, उस पर छींटे होती हैं, बिल्कुल गोल्डन जैसी छींटे होती हैं, उसको मध्यमा उंगली में मिडिल फिंगर के अंदर चांदी के अंदर सिल्वर के अंदर रविवार के दिन उसको धारण करवा दीजिए। और दूसरा काम ये करना है कि आपको इस बच्चे को सोते समय जो इसका सिर है, इसका जो हेड है वो ईस्ट साइड में सिर रखना है इसको, यानी जब ये सोए तो ये पूरब दिशा की तरफ सिर रख के सोए, पश्चिम दिशा में इसके पांव हो, और एक रात को इसके सिरहाने के नीचे यानी तकिए के नीचे एक नींबू रख दीजिए। नींबू रख के अगले दिन उसको, यानी आपको ये काम करना शनिवार को, शनिवार की रात को इसके सिरहाने तकिए के नीचे एक नींबू रखी, अगले दिन उस नींबू के 4 टुकड़े करके बाहर फेंक दीजिए, ये प्रार्थना करते हुए कि जो भी इसकी रोक है, रुकावट है, समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं इसकी ज़िंदगी से दूर जाएं, और उस नींबू के टुकड़ों को बाहर फेंक दीजिए। निश्चित तौर पे सन 2015 आपके इस बच्चे के जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो सकता है।
तो जिन्हें जी थोड़ा सा धैर्य रखिए और पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनको कीजिए, आपके बेटे का जो आने वाला समय वो काफी फलदायी साबित हो सकता है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें अपनाएंगे तो आपके जो आने वाला समय काफी बेहतरीन बन सकता है। चलिए अब बताते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि में आपके लिए, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसे तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कार्य स्थल पर वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज आप खुद को सकारात्मक बनाए रखें, पॉजिटिव बनाए रखें, आज आपके वो काम भी पूरे हो जाएंगे जो आज तक पूरे नहीं हो पा रहे। नवीन योजनाएं फलीभूत होंगी, जब समय रहते आप सोच विचार करते रहे तो अब समय निकल जाने पर पश्चाताप करना भी जरूरी है। वाद विवाद कंपटीशन से बचें। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप किसी बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जॉब से संबंधित मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा है, दिन भर भागदौड़ बनी रहेगी। अभी फिलहाल व्यापार में जो दौर चल रहा है वह आपके लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। शत्रुओं और विरोधियों पर अंकुश रखना जरूरी होगा। जरूरी कामकाज के लिए समय पर दौड़ भाग करना जरूरी होगा। हर काम समय पर करें तभी जरूरी है। जीवन साथी से विवाद से बचें। अतीत के मामलों को ज़्यादा महत्व ना दें, नुकसान हो सकता है। दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखें। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सारे काम आसानी से और शांति से निपटते चले जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। अस्थायी उपक्रम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। आज के दिन आपको अपने जनसंपर्क और राजनीतिक मित्रों का साथ भी मिल सकता है। आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। साथी कर्मचारियों से कहा सुनी हो सकती है। थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। ध्यान रखें, दिखावा और आडंबर, इन दोनों में आज आपको विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, एक मेल हमारे पास अभी आया है। जगदीश जी हैं बाड़मेर से, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1969 और इन्हें समय नहीं पता है। इनकी दिक्कत जो है वो ये आ रही है कि इन्हें हार्ट डिजीज है, हृदय संबंधी रोग है, और जिसकी वजह से इनकी सेहत काफी खराब रहती है, काफी परेशान है इन दिनों। देखिए जगदीश जी, आपकी जन्म कुंडली में केतु और सूर्य का ग्रहण योग है, वो भी चतुर्थ स्थान में बैठा है। जब चतुर्थ स्थान में सूर्य केतु दोनों साथ हो जाए तो वो ग्रहण योग बन जाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण योग बोलते हैं। केतु की हिमादशा आपको चल रही है, चतुर्थ स्थान में यदि ग्रहण योग हो जाए तो हार्ट से संबंधित बीमारी करवा देता है, मन को अशांत करवा देता है, सुख में कमी कर देता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपको इस हार्ट के रोग से मुक्ति मिले, तो दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ में एक तांबे का कलश आप ले लीजिए। उस तांबे के कलश में जल भर के आप उसको अपने सिराने बेड साइड पे नियमित रूप से रखिए, रात को सोने से पहले, और सुबह उठते ही बगैर कुल्ला किए, ध्यान रखें कुल्ला भी नहीं करना, बगैर कुल्ला करते हुए उस जल को आपको पी जाना है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। दूसरा, रात को सोते समय सिराने के पास में जौ, जो पूजा में काम में लेते हैं, जौ दो तीन मुट्ठी अपने बिस्तर के पास में, तकिए के पास में रख लीजिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाएं। नियमित रूप से आप इस उपाय को करिए, आपको कहीं ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट से संबंधित बीमारियों में जबरदस्त आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। दूसरा, आपको एक काम ही करना, कैटाई जिसको हम बोलते हैं लहसुनिया, 5.25 रत्ती का आपको पेंडेंट के अंदर, चांदी के अंदर पेंडेंट बना के आप गले के अंदर धारण कर लीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करें तो निश्चित तौर पर हार्ट का जो रोग है वो आपसे दूर भागता हुआ दिखेगा। तो जगदीश जी, जैसे कि पंडित जी ने आपको बताया है, आप ये उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा जल्द से जल्द आपकी जो सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स है जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं, इन्हें देखिए और इस पर अमल कीजिए, ये आपके आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। अब आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुलक टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा,
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में और शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। धन लाभ के योग है, भाग्य आज आपका साथ देगा, मानसिक परेशानियां खत्म होने लगेंगी। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। व्यर्थ के झंझटों के कारण लाभकारी प्रयास ठंडे पड़ सकते हैं। आज के दिन आपको किसी नए कारोबार या कार्य क्षेत्र में अपना समय देने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, वाणी पर काबू रखें। दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वह वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे इसके लिए आपको आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने काम, अपनी सेहत पर और रोजमर्रा की चीज़ों पर आज आपको ईमानदारी से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, खर्च ज़्यादा होगा, परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य बीमार हो सकता है। आज किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। धन लाभ होने के योग बन रहे, दफ्तर में परेशानी का अनुभव होगा लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। बौद्धिक क्षमता के बावजूद आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। दूसरों के साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहें, कोई भी बात आपको गोलमाल नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, एक मेल हमारे पास आया है जितेंद्र जी का झालावाड़ से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1980 और इन्हें समय जो है एग्जैक्ट ध्यान नहीं है लेकिन 11 या 12 बजे के बीच का है, रात का। और इनका सवाल ये है कि रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, करियर में किस तरीके से इन्हें सफलता प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में ये जाए। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपने तारीख बताई और समय जो बताया उसके हिसाब से भाग्य स्थान में राहु, गुरु, शनि, मंगल, ये चार ग्रह एक साथ में बैठे हैं। राहु गुरु अगर साथ हो जाता है तो चंडाल योग बनता है, राहु मंगल अगर साथ हो जाए तो अंगारा की योग बनता है। सीवियर भारी काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना, वो भी भाग्य स्थान से, तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कभी तो आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा और कभी आपको लगेगा कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं खड़ा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से भाग्य आपका साथ दे तो सबसे पहला काम तो काल सर्प दोष की शांति करवाना। जब तक आप कालसर्प दोष की शांति नहीं करवाए तब तक एक पेंडेंट आता है, उस पेंडेंट में कालसर्प दोष के लिए ही विशेष रूप से बनाया जाता है। उसमें क्या क्या लगा होता है, उसमें लहसुनिया लगा होता है, उसमें गोमेद लगा होता है और उसके अंदर नीलम लगा हुआ होता है। तो गोमेद, नीलम और लहसुनिया तीनों 5.25 रत्ती का पेंडेंट बनवा के उसको गले के अंदर धारण करें, इस कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा काम ये करना है आपको, जहाँ तक आपके कार्यक्षेत्र की बात है, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर सन 2015 में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद के व्यवसाय की अगर बात करें तो आप जो अपना फैंसी आइटम से रिलेटेड जो आइटम होते हैं उनसे रिलेटेड आप काम करें, शनि लोहा आपको सूट नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखें। जितेंद्र जी, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनको कीजिए, आपकी जो परेशानी है करियर को लेकर जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तो आपने जाना कि क्या करें और क्या नहीं करें जिससे आज के दिन के साथ आपके जो आने वाला समय है वो किस तरीके से बेहतरीन बन सके। आगे जानेंगे पावन मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि इसमें आज क्या करें और क्या ना करें इस दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा हो सकता है। काम में व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आज आपका दिन थोड़ा सरल कर सकता है। मानसिक तनाव से आज आपको बचना है, अपने साथियों के टकराव से आज आपको बचना है। किसी विषय पर विचार नहीं मिल रहे हो तो आज मौन रखने में फायदा है। आज के दिन की सफलता के लिए जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रखें, फिर देखें आपका दिन कैसे सफल होता है। अगली जो राशि है वह कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आज आपको घर में, दफ्तर में थोड़ी भागदौड़, खर्च और असंतोष जैसी हकीकतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद जो भी महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहेंगे उसके बन जाने में देर नहीं लगेगी।
नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला दिन है। जीवन साथी को आज आपको परेशान नहीं करना, उसे वाद विवाद नहीं करना, किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है आज आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे आदमी को एक समय का भोजन करवाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, पुराना क्लेश आज खत्म होगा, पैसों की स्थिति में आज सुधार होगा, आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कार्य सिद्ध होंगे, व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी में जरूर आज थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, पेट संबंधी रोगों से बचना है। आज आपको अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन कहीं भी उस स्थान पर दाव पे नहीं लगाना है जिसके बारे में आपको पूरा विश्वास ना हो। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प चढ़ाएं, पूरा दिन सफलताओं से शुभता से भरा रहेगा। पंडित जी, आज के राशिफल के बाद अब आज का पावर मंत्र भी बता दीजिए। आपको यदि आपके हर कार्य में सफलता चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो आज मैं आपको आपके सभी दुखों से मुक्ति के लिए, सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर बाधा दूर होगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में चिर स्थायी रूप से वो निवास करने लगेगी। ये जो मंत्र है भगवान विष्णु का है। आज के इस कलयुग के अंदर हम भगवान विष्णु की आराधना को लगभग भूलते जा रहे हैं, बाकी सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन सभी देवों के देव भगवान विष्णु की आराधना लगभग हम भूल चुके हैं। तो आज भगवान विष्णु को नमन करने वाला, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही सरल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। प्रतिदिन यदि भगवान विष्णु का 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके घर के अंदर निवास करते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु हो वहाँ उनकी पत्नी माता लक्ष्मी तो स्वतः ही आ जाएगी। तो यदि आप धन चाहते हैं तो भगवान विष्णु को पकड़ के अपने घर में बैठा लीजिए, निश्चित तौर पे धन से संबंधित सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हम आशा करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है gullaktips@firstindianews.com। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।